सो फाइनली दोस्तों रॉयल इनफील्ड ने जो है अपने नए बुलेट 350 को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। मतलब आपको इसमें 3 वेरियंट्स देखने को मिलने वाली हैं। तो इसमें क्या कुछ आपको प्राइसिंग रखी गई है, कलर आपको कितने मिलने वाले हैं और इसमें क्या कुछ फीचर कंपनी ऐड की है, की डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहे और चैनल पर अगर आप आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रोज जो है मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहता हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी दूंगा मैं। तो सबसे पहला जो वेरिएंट मिलता है आपको मिलिट्री वेरिएंट मिलता है। इसमें आपको टोटल 2 कलर मिलते हैं, एक मिलिट्री रेड एंड दूसरा मिलिट्री ब्लैक मिलता है। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो सिंगल चैनल ABS मिलता है और रियर में ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलता है और इसमें जो कलर टैंक आपको देखने को मिलता है। बाकी दूसरा जो वेरिएंट आता है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है। इसमें 2 कलर आपको मिलते हैं, एक ब्लैक मिलता है दूसरा मरून मिलता है। इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें आपको हैंड पेंटेड जो है बॉडी कलर्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे क्रोम की फिनिशिंग मिलते हैं और गोल्डन कलर के जो है इसमें ग्राफिक्स देखने को ज़्यादातर आपको मिलते हैं। बाकी तीसरा जो वेरिएंट मिलता है वो बुलेट का ब्लैक वेरिएंट मिलता है। सिर्फ इसमें एक ही कलर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, रियर में डिस्क फ्रंट में डिस्क आपको मिलता है और इसमें आपको जो है मैट की काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है। इन तीनों बाइक्स में आपको सेम बात ये देखने को मिलती है कि 13 लीटर का उसमें से फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बाकी इसका न्यू हेडलैम्प सेटअप मिलता है और सिग्नेचर टाइगर आई पायलट हेडलाइट्स आपको देखने को मिलती है। बाकी डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट आपको टोटल सेम वेरिएंट में देखने को मिलता है। और बाकी दूसरी बात इसमें सेम ऑल वेरिएंट में देखने को मिलते हैं इसका इंजन है। इसका इंजन आपको 349cc का एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि 20.2 BHP की पावर देता है, जो कि 6100 RPM पे आपको मिलती है। 27 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, जो कि 4000 RPM पे आपको इसका टॉर्क देखने को मिलता है और इसमें आपको जो है 5-speed का गियरबॉक्स भी देखने को मिलता है। और इस बाइक में आप एक्सेसरी के तौर पर जो अलग से भी लगवा सकते हो, यानी कि टूरिंग सीट, हैंडल बार्स एंड हेलमेट जो है अलग एक्सेसरी के तौर पर आप इसको लगवा सकते हो। बाकी इसकी बुकिंग जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसकी प्राइसिंग की तरफ देखा जाए तो एक शोरूम प्राइजेस की रेंज में जो है इसकी रेंज जो है 173,562 रुपये से स्टार्ट होकर 215,801 रुपये से एंड होती है। तो आपको सबसे सस्ता वेरियंट जो है मिलिट्री वेरियंट देखने को मिलने वाला है। तो आपको इनमें से कौन सा वेरिएंट पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी फिलहाल वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तो फिलहाल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहे।